Beyoncé, la Beyoncé, la Beyoncé. Mulaval. के दारे हुसैन अब भी बदल रहा है सितम के तुगयानियों के दारे और हुसैन अब भी सुना रहा है सिना पे कुरान के विर्द पारे हुसैन अब भी सुना रहा है सिना पे कुरान के विर्द पारे हुसैन अब भी सबल सबल के बचा रहा है सभी सहारे हुसैन अब भी सबल सबल के बचा रहा है सभी सहारे हुसैन अब भी लुटा रहा है नबी के दी पर सजल दुलारे हुसैन अब भी लुटा रहा है नबी के दिल पर सजल दुलारे और हुसैन अब भी ये चाहता है हुसैन अब भी ये चाहता है हुसैन अब भी ये चाहता है कि मुश्किलों में कोई पुकारे हुसैन अब भी ये चाहता है कि मुश्किलों में कोई पुकारे और यजीदियों को ये वहम क्यों है कि सिर्फ एक दिन हिसाब होगा यजीदियों को ये वहम क्यों है कि सिर्फ एक दिन हिसाब होगा अरे हुसैन से जो जहाँ पे उलझे वहीं पे खाना खराब होगा तागूत के खिलाफ जिनके आज का ये जो बिल जो पेश हुआ कौमी असेंबली में क्या इस असेंबली में बैठने वाले शिरकत करने वाले दस्तखत करने वाले मुसलमान तो होंगे लेकिन मेरे ख्याल में न किसी शिया ने दस्तखत किया है न किसी सुन्नी ने दस्तखत किया है न किसी अहले हदीस इस बिल पर दस्तखत कर सकता है और अगर दस्तखत कर सकता है हिमायत कर सकता है तो ये यहूद नसारा का एजेंट ही कर सकता है ये यहूद नसारा का एजेंट होगा ये बिल इस हुकूमत वक्त को इस जालिम हुक्मरान को क्या मालूम नहीं था कि आयत तथीर आल मोहम्मद के शख्सियत के बारे में उन्होंने अगर दस्तखत किया है हुसैनियत को उन्होंने समझा ही नहीं है मुझे हर बार धमकी मिलती है जब मैं स्टेट के बारे में जो हकीकी बात मैं करता हूं आज भी मैं याद करूंगा ए पाकिस्तान के एजेंसीज ए सिक्योरिटी इदारे वालों ए पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स कुछ छोड़ा है पाकिस्तान में कि हम फख्र करें कि हम पाकिस्तानी हैं आज हम दुनिया के सामने किस बात पे फख्र करें कि हम पाकिस्तानी हैं लूट मार और तमाशा है हम इस बात पे फख्र करें आज पाकिस्तान एक इंटरनेशनल चोर के हिसाब से पहचाना जाता है इसका जिम्मेदार कौन है आज पाकिस्तान के अंदर करप्शन आम लूट मार आम अवामी हुकूमत आकर महंगाई क्या कुछ नहीं है पाकिस्तान में 14 अगस्त को कहा गया कि आप लोग यौमे आजादी मनाएं किस बात की आजादी कौन सी आजादी हमारे लिए छोड़ी है आप किस बात की हम आजादी मनाएं क्या हमें मजहबी आजादी है नहीं छीन लिया हमसे मजहबी आजादी और क्या हम महंगाई से आजाद है क्या हम रिश्वत से आजाद है क्या हम जुल्म जब से आजाद है पहले तो हमें समझाएं कि आजादी क्या है आजादी ये नहीं कि चंद झंडियां लहराए और आजाद पाकिस्तान का तराना बस वही रखे ये नहीं आजादी खुदा के लिए तरस का है पाकिस्तान पे इतनी बदनामी किसकी वजह से आज मैं इस इज्तम के तवसुम से कहता हूं पाकिस्तान को अगर इस नहज पे पहुंचाया है तो उन जिम्मेदारों को जो है तहकीक करें और उनको सामने लाके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए आज सिर्फ एक फिर कहने पाकिस्तान को बचाने के लिए मैदान में है वो फिरका कौन है अहले बैत के मानने वाले आज मैदान में है पाकिस्तान बचा
कुर्बानी दी है, देंगे और देते रहेंगे। लेकिन कितने अफसोस की बात है, एक मशकूक नाजायज एफआईआर के जरिए नायब इमाम जुमस कर दो आगा सईद बाकर हुसैनी के खिलाफ एफआईआर काटा गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इससे 3 दिन पहले एक मौलवी फरमान वली, जैसा कि यहां पे बरादर नसीम ने फरमाया था, अगर तुम्हारे अंदर दम है जिलास में बैठ के धमकी देने के बजाय आ जाए हमारी तरफ, इधर आ जाए ना। अब जैसे 88 में आए थे, 88 में लश्कर कशी हुई थी, 88 में भी यही दौरा था, ये काफिरिस्तान है, जितने लोग हैं काफिर है, अब काफिरों से जंग करेंगे, 88 में तुम्हारा क्या हश्र हुआ। अब ये धमकियां, जैसा कि इससे पहले भी उलमा ने कहा था, छोटे से गांव में हम कोई कुत्ता भूखे तो हम उस कुत्ते का मुकाबला नहीं करते। तुम में और हम में फर्क यह है, तू कुत्ता है जिलास में भूखता है, लेकिन हम अहले बैत के मानने वाले हैं, हर भूखने वाले को जो है हम उसको जवाब नहीं देते। लेकिन अगर मर्दानगी दिखानी है आ जाए इस तरह, तुम जो धमकी दे रहे हैं कि हमारी दर्ज अहले बैत, हम इस तरह के धमकी नहीं दे सकते। आज यहाँ जो चिरासी रहता है, आज जो खाली में लेके घर घर में घुसता है, क्या ये लोग चिरासी नहीं है? मौलवी फरमान ने एक कैफियत तकरीर की है, मैं उस तकरीर को नहीं दोहराता, मैं कहता हूँ मौलवी फरमान, हम बहादुर लोग हैं, हम जुरादमंद लोग हैं, हम में गैरत है, हम में हया है, तूने धमकी दी उस तरफ आने वाले मुसाफिरों को कत्ल करेंगे, हम धमकी नहीं देते। जिला से जितने यहाँ पे भीख मांगने के लिए आए हैं या कारोबार करने के लिए आए हैं, हमारी तरफ से कोई खौफ न था। जब लग तुम लोग कोई किसी खातिल या दहशतगर्द टोले का सहूलतकार नहीं बनोगे, उस वक्त हमारी तरफ से अमन है। ये मेरा पैगाम नहीं है, मेरा मकतब का पैगाम है, ये मेरा दीन का पैगाम है। लेकिन अगर कोई शख्स दुश्मन है अहले बैत, पता चले कि वो तकफीरी टोले से ताल्लुक रखते हैं, अगर तुम्हारी वो जुर्म सामने आए तो अब हम भी नहीं छोड़ेंगे। और इस वक्त ये जो साजिश हो रही है, ये शिया सुन्नी का नहीं है, ये जानबूझ के अभी अगर चिलास के अंदर इस तरह की धमकियां दे रही है, तो मैं कहता हूं कि मुल्क का रुख कायम है अभी, लेकिन उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हो रहे। एफआईआर उस बेगुनाह आलिम दीन सईद बुजुर्गार पर हुआ, जब यहां कमिश्नर को सामने लाके, डीसी को सामने लाके, आईजी को सामने लाके कहा दरखास्त किसने दिया है, सामने आ जाए वो बंदा जिसने आगा बाकर के खिलाफ दरखास्त दी है, अब तक वो बंदा सामना नहीं है। कैसी झूठी है भाई, कैसा तशय्यों के साथ खेल खेला जा रहा है, क्या समझ रहे हैं अपने आप को? ऐसे खेल कि जिस पर लिखा हुआ है तंजीमे से जनरल सेक्रेटरी तंजीम है अहले सुन्नत वाल जमात गिलगित बल्तिस्तान पलक कोहिस्तान पलक मुजाहिरस्तान पलक पता नहीं काफिरस्तान, क्या कौन है वो सेक्रेटरी जनरल? बहादुर है जुरादे में सामने आए, जिस तरह आज हमारे मातमी जो दस्ते हैं उन्होंने एफआईआर काटी है, डायरेक्ट नाम लेके काटी है, अपने जो है तंजीम का नाम जाहिर किया है, अपने आप का नाम जाहिर किया है। लिहाजा आज मजहब की बात यह है कि जिसने एफआईआर काटी है बेशक, लेकिन एफआईआर काटने वाला कौन है ये नहीं पता। और जिस एफआईआर से खुदा अभी तकरीबन 10-15 मिनट पहले मेरी बात हो रही थी।